हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो लड़की होती है वो अपना सैनिटरी डिप्लॉयमेंट जो होता है उसको एक्टिवेट कर लेती है। वहाँ पर दिखाते बहुत सारे जो जवान के मेमोरी बंदे होते हैं वो लोग आके जवान को बोल रहे होते हेल्प मी प्लीज़ हमें अकेला छोड़ के मत जाओ। जवान ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जो रिचेल यंग होती है बोलती है सब मेमोरीज जिसको तुम सब ज़्यादा प्यार करते हो और यही सब तुम्हारे मौत का कारण बनने वाला, आज तुम यहीं पे मरने वाले। और सारे बंदे जितने भी वहाँ पर होते हैं वो लोग बोलते हैं जवान बचा लो प्लीज़ हम लोग को बचा लो। जवान अपनी स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम क्वेश्चन होता है यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग उसको यूज करता है और उसको थोड़ा एनहांस करके यूज करने की कोशिश करता है। बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं इसको इतनी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा, ये काफ़ी बड़ा वर्ल्ड व्यू और इसको मैं इस तरह से नहीं हरा सकता, इसके पास हज़ारों साल का एक्सपीरियंस है, इसको तो मैं इस तरह से नहीं हरा सकता, अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ पे मारा जाऊँगा, ये मुझे मार डालेगी। साथ ही वो सेकंड स्टेज जिसका नाम सेल्फ सरेंडर होता है उसको यूज करता है और वहाँ से फिर से सब कुछ को मतलब सरेंडर करके अपना पावर को यूज करता है। बोलता है कि जब मैं यहाँ पे अपना सेल्फ सरेंडर को एक्स सरेंडर को यूज करता हूँ तो मुझे लगा था मैं इन सबको महसूस कर पाऊंगा समझ पाऊंगा लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। जो अंडरसन बोलती है डैम इट हम लोग के पास और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने पावर को यूज नहीं कर सकती। एक सैनिटरी डिप्लॉयमेंट को हराने के लिए तुम्हें भी सैनिटरी डिप्लॉयमेंट को यूज करना होगा, चूंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस चुके हैं। जवान जो तुम आप उस एनर्जी के अंदर खींचा जा रहा होता है, बोलते हैं लौता चीज़ जो सैनिटरी के साथ डील कर सकता है वो सिर्फ सैनिटरी है, मुझे एक और सैनिटरी बनाना होगा, अपना सैनिटरी बनाना होगा। जहाँ तक मुझे पता है सैनिटरी और जो यूनिक वर्ल्ड होता है जैसे कि जवान का रेड है यूनिक वर्ल्ड है, इन दोनों में बस एक डिफरेंस है कि जो यूनिक वर्ल्ड है वहाँ पर आप फोर्स को यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर बस अपने पावर को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं अपने यूनिक वर्ल्ड में थ्योरी ऐड कर दूं तो मैं भी सैनिटरी डिप्लॉयमेंट को यूज कर सकता हूं, ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है। साथ ही वो उस सैनिटरी डिप्लॉयमेंट की पावर को कैसे यूज करना है समझ आता है। साथ ही बोलता है अवेकनिंग फॉर द स्टेज यानी कि जो थ्योरी होता है उसको यूज करता है यानी कि जो गेनेसिस का पावर होता है उसमें वो थ्योरी को ऐड कर लेता है और वहाँ पर दिखाते बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जवान जो था अपना एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये देखो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शॉक से बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर दिखाते जवान का जो वाइल्ड रूपी होता है वो वहाँ पर अपीयर हो जाता है, ये देखते वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक बोलती है मेरा सैनिटरी जो यहाँ पर डिसअपीयर हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। साथ ही वो जवान की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो वो ऊपर की तरफ देखती बोलती नहीं इसने अपना सैनिटरी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो जो थी जवान के सामने आते बोलते कि एक सैनिटरी जो कि सिर्फ गॉड यूज कर सकता है, मतलब सैनिटरी डिप्लॉयमेंट का जो पावर था वो एक गॉड यूज कर सकता है और ये एंडरसन का सैनिटरी नहीं है तो तुम यहाँ पे कौन सा ट्रिक को यूज करके मुझे यहाँ पे हराने की कोशिश कर रहे हो। जवान बोलता है कि अच्छा क्या ये इंपॉर्टेंट है कि ये गॉड ही सैनिटरी डिप्लॉयमेंट को यूज कर सकता है, वो बोलती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप सैनिटरी बनाते हैं वो आपका एक इमेजिनेशन होता है, एक वर्ल्ड होता है जिसको आप इस वर्ल्ड को किस तरह से देखते हो वो आपका इमेजिनरी वर्ल्ड होता है और हर गॉड का यूनिक वर्ल्ड और अपना जो हिस्ट्री होता है उस हिसाब से उसका एक अलग सैनिटरी बनाया जाता है लेकिन ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। एंडरसन क्या ये वर्ल्ड तुम्हारा, क्या तुमने अपने वर्ल्ड को चेंज कर दिया, वो पूछ रही होती है एंडरसन से लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते जवान बोलता है सैनिटरी डिप्लॉयमेंट। ये बात सुनने के बाद वो लड़की होती है जैसे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे दिखाते जवान का जो यूनिक वर्ल्ड होता है रेड आई वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो डेथ बंदे होते हैं ये सब निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, रेचलिंग पर अटैक कर देते हैं और इस सैनिटरी जो डिप्लॉयमेंट होता है जवान का उसका नाम होता है द वर्ल्ड आफ्टर द एंड। और यहाँ पे ये सीन देखने बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कि ये क्या हो सकता है आखिर ऐसा कैसे हो सब। जवान उसे बोलता है कि तुमने अपना वर्ल्ड व्यू तो दिखा दिया, अब तुम मुझे बताओ कि मेरा ये सैनिटरी डिप्लॉयमेंट ये मेरा वर्ल्ड व्यू तुम्हें कैसा लगता है। वो लड़की जो थी ऊपर की तरफ देखती बोलती कि आखिर ये चीज़ यहाँ पे क्या करा, वो ऊपर उस जो ब्रेड आई होता है उसकी तरफ देख रही होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक होती लेकिन तभी जब जवान जो होता है काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की बोलती अच्छा इसका मतलब ये इस लड़के का वर्ल्ड यानी जवान का वर्ल्ड और इसने अपने सैनिटरी डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे यूज किया। साथ ही वो मुस्कुराते बोलती कि आई सरेंडर मैं हार मानती हूँ, जवान जो होता है उसको मारने वाला तो वो वहीं पर रुक जाता है। उसकी ये बात सुनने बाद जवान भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इसने यहाँ पे सरेंडर क्यों करती, बोलती कि मैं हार गई मैं सरेंडर करती हूँ। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वहाँ पे फाइट जो होती खत्म हो जाती है। जवान जो अपना सैनिटरी डिप्लॉयमेंट को हटा लेता है मतलब अपना वर्ल्ड व्यू को हटा देता है। उसके बाद रिचलिंग उसे बोलती है क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी है, मैं तो तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ ना, ये सब जो प्रोडक्ट तुम यूज करे वो सबको मैंने बनाया। वहाँ पे एक पावर जो सप्रेशन टूल होता है जो कि 500 ट्रस्ट की मदद से उसने खरीदा होता है जवान ने, उसकी मदद से वो उसके पावर वर्ल्ड पावर को सप्रेस कर सकता है। दूसरा जो होता है उसको कहीं भी पोटे मतलब ले जाने के लिए एक चेयर होता है उसको भी वो परचेस करके उसको उसमें कैद कर लेता है। जवान बोलता है कि मैं इसको मार क्यों नहीं सकता, मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एंडरसन बोलती है कि रुक जा ये हमारी बात मान रहा है तो हम लोग इसको क्यों मारेंगे, ये ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है लेकिन फिर भी ये सिक्स गॉड यानी मेटावर्स का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्स गॉड है उनमें से एक है और ये उतना भी ज़्यादा कमजोर नहीं जितना तुम इसको समझ रहे। रोनाल्ड होता है बोलता है कि ये गॉड है लेकिन पता नहीं इस पर थोड़ा सा विश्वास
पास नहीं हो रहा। पहले तो इसने अचानक से सरेंडर कर दिया, उसके बाद इसका जो अपना टूल था उसको इसने हम लोग को बेच दिया ताकि हम लोग इसको कैद कर सके। आखिर ये किस तरह का बंदा। एंडरसन बोलती कि ये हमेशा से ऐसा ही था, कोई भी इसको विश्वास नहीं कर सकता था, ना ही 500 साल पहले ना ही अभी। तो यहाँ पे जितने भी बंदे होते विलेज के लोग आते बोलते मिस्टर जयवान क्या आप इसको मार दोगे, मतलब इस बंदे यानी रेचलियन को मार दोगे। जयवान उनसे बोलता है कि ये वो बंदा जिसने तुम लोग को पपेट में चेंज कर दिया, तो आखिर तुम लोग इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे। बोलते इसलिए क्योंकि हम लोग ने इसको बोला था कि हम लोग को पपेट बना दो, हम लोग ने खुद इससे रिक्वेस्ट किया था और इसने उस बात को माना और हम लोग को पपेट बना दिया। रोनाल्ड ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक बोलता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। एंडरसन बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, इसी की मदद से ये लोग अभी तक जिंदा। जयवान ये तो पहले से मालूम होगा कि जो भी गॉड को कोई प्रे नहीं करता या फिर याद नहीं करता उसकी स्टोरी लाइन धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो गॉड जो होता है कंप्लीटली तरह से डिस्ट्रॉय डिसअपियर हो जाता है। जयवान बोलता है कि हाँ क्योंकि जो गॉड का कॉन्सेप्ट है सोर्स है वो कॉन्सेप्ट है, मतलब जब तक किसी को गॉड को कोई याद कर रहा है कोई प्रे कर रहा है तब तक गॉड जिंदा रहेगा, और अगर उसको सब भूल गए तो वो खत्म हो जाए क्योंकि उसके पास अपना नेचुरल यानी सोल बॉडी नहीं होती। इसलिए हो सकता है कि इस रेचलियन ने इन सबको पपेट बनाया जिसकी वजह से पपेट बनने के बाद ये लोग जो है वो एंडरसन के प्रे करते थे, एंडरसन को याद करते थे, रिमेंबर करते थे, इसलिए एंडरसन अभी तक 500 साल बाद भी जिंदा था। और फाइनली 500 साल वेट करने के बाद फाइनली जो एंडरसन है वो इस टावर में वापस आ चुके हैं। एंडरसन बोलते हैं कि हाँ पहले मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे जो पपेट है वो पपेट बन जाएंगे तो मतलब जो फॉलोवर है वो पपेट बन जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन इसने कभी भी उन सबको फोर्स नहीं किया था ताकि वो लोग पपेट बन जाए। जवान बोलता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था, चलो आगे बता दीजिए। बोलती है कि मैंने कहा था ना कि ये पागल, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा था कि बुरा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, मतलब ये हमारी हेल्प कर सकता है। साथ ही एंडरसन आगे बताते कि इस बंदे यानी रेचल यांग ने एडन कार्ट ने जब इतने जितने भी फॉलोअर हैं एंडरसन को सबको पपेट बना रहा था तो बोल दिया था कि इसमें तुम लोग की जान भी जा सकती है इसलिए पपेट मत बनो, लेकिन वो लोग खुद अपनी मर्जी से पपेट बने ना कि इसने किसी को फोर्स किया। जयवान क्या, और थोड़ी देर पहले तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम इसको अपने हाथों से मार डालोगे, तुम ऐसा कैसे मतलब अपनी बात से कैसे मुकर सकती। बोलता है कि हाँ क्योंकि इसने मेरा जो पिछला अवतार था उसके साथ छेड़छाड़ किया और उसको अपना पार्ट बना लिया, इसलिए मैं इसको मानना चाहती थी, मैं इससे कोई दुश्मनी नहीं है, अब मैं इसको छोड़ सकती। रोनाल्ड बोलती है चलो ठीक है अब मुझे पता चल गया, इसलिए जो बंदा एडन कार्ट है इसने शुरू में हम लोग पे अटैक नहीं किया, ये बस बात करना चाहता था सर जवान आपने इस पे सबसे पहले अटैक किया। एंडरसन बोलती है कि चलो इससे नॉर्मली बात करो, ऐसा करो कि जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं तो ये हम लोग की काफ़ी अच्छे से मदद करेगी। साथ ही एडन कार्ट होता है बोलता है चूंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट तरह से कैद हो चुकी है तो तुम मुझे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जवान जो होता है बोलता है कि मेरा फ्रेंड जो यहाँ पे पकड़ा गया और वो उसे अब्बीस में लाया गया, मुझे पता चला कि वो उसे यहाँ पे ला के पपेट बनाया गया, इसलिए क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है। बोलती कि यहाँ पे तो ऐसा होता रहता, मतलब बहुत सारे बंदे को ला के पपेट बनाया जाता है। जवान बोलता है कि मुझे अपने फ्रेंड को ढूंढना है, बस इतना ही बता दो क्या तुम ऐसा कर सकती। बोलती है ठीक है तुम्हारा स्टोरी काफ़ी ज़्यादा टचिंग है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही वो जवान को आगे बताती है कि मैं सोल को नहीं खरीदती पपेट बनाने के लिए, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं। जवान बोलता है कि मैंने सुना कि तुम फर्स्ट पपेट मास्टर हो तो तुम्हें किसी ना किसी ऐसे पपेट मेकर के बारे में पता होगा जो कि इस टावर में रहता है, वो हमारी हेल्प कर सके। एडन कार्ट जवान से बोलता है कि हाँ मेरे पास रास्ते हैं जिसकी मदद से मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। जवान बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यहाँ पे मरने वाली। बोलती कि तुम मुझे मार डालोगे तो जितने भी पपेट है वो लोग भी मर जाएंगे, तुम्हें ये बात तो मालूम होगा, और ये अगर तुम सच में जो एंडरसन उसको अपना कॉमरेड मानते हो अपना साथी मानते हो तो तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। एंडरसन बोलता है कि ये अभी भी एक्टिंग कर रहा है, इसे पता है कि तुम इसको नहीं मारोगे चूंकि सारे पपेट को बचाना, इसलिए ऐसा जो है यहाँ पे बिहेव कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने सवार करके खड़ा होता है जितने भी बंदे पीछे होते विलेज को भागते हुए, तो बोलते फायर फायर हमारे विलेज में फायर लग चुका है, हमारे विलेज के डायरेक्शन से देखो कितनी बड़ी आगे निकल रही है। जवान जो ये सुनने बात काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है कि स्टोरेज की सब तरफ तो हमने उस बंदे को बंद करके रखा था, शायद वहीं पे वो आग लगी है। सारे बंदे वहाँ पे जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते, लेकिन वो आग नहीं बुझती। ये देखने बाद जो एडन कार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो विलेज जो होता है कंप्लीट तरह से जल के राख हो जाता है। ये देखने एंडरसन जो थी उन सारे अलायंस के बंदे को गाली देना स्टार्ट कर देता है। जवान बोलता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया कि ये सब किसने किया होगा। बोलती कि हाँ वो कमीनी अलायंस के बंदों ने इन सबको किया होगा। जवान बोलता है अलायंस, बोलती कि हाँ। साथ ही वो बोलती है कि जो स्टिग्मा इस बंदे के ऊपर दिख रहा है, इस बंदे के बॉडी के ऊपर तुम्हें जो साइन दिख रहा है वो अलायंस का, और उन्होंने यहाँ पे ये सब किया है। साथ ही एंडरसन तो जवान को आगे बताती है कि एक डिवाइन पनिशमेंट है जो कि मैं 500 साल पहले देख चुकी, 500 साल पहले ये स्टिग्मा साइन जिस बंदे के ऊपर भी वो लोग लगा देते थे उस बंदे को वो लोग मार देते थे भले वो बंदा कहीं भी भाग जाए। ये उनका डिक्लेरेशन है कि ये विलेज के जितने भी बंदे हैं उन सबको पनिशमेंट मिलने वाला है अगर किसी ने उसको चैलेंज करने की कोशिश की है तो। जवान बोलता है चलो ठीक है देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन जो रेचल यांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी, बोलती कि अभी तुम लोगों ने क्या किया मेरे विलेज के साथ, क्या किया मेरा विलेज जो कंप्लीट तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला वो भी तुम लोग की वजह से, और इसी के साथ जो एपिसोड होता है यहाँ पे हो जाता है। तो आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।